हेलो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के प्रकार कैसे होते हैं कैसे कैसे मल्टीप्ली मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप लोगों को जो अच्छा लगे वो मुझे बताइएगा कौन सा मेथड अच्छा है मल्टीप्लिकेशन का ठीक है तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कॉलम मेथड कॉलम मेथड ठीक कॉलम मेथड में जैसे कि कॉलम कॉलम में ऊपर नीचे संख्या टू थ्री तो यहाँ पे टू वन ये मल्टीप्लाई यानी कि वन टू फाइव टू थ्री ये ये क्या सब कॉलम कर कहते ऊपर से नीचे कर जैसे हमने किया थ्री टू जीरो सिक्स टू ये थ्री एट टू ठीक है ये ये सब क्या कहते हैं ये ये कॉलम मेथड कहलाता है ठीक ये तो आप लोगों को आता है कॉलम मेथड कैसे होता है ठीक अगला आता है हमारे पास सेकेंड मेथड आता है, हम लिखते हैं रो मेथड ठीक रो मेथड में रो मेथड किसका रो मेथड ऑफ मल्टी प्ली ठीक मल्टीप्लीकेशन का रो मेथड ठीक मल्टीप्लीकेशन का रो मेथड मतलब यहाँ पे ट्वेल्व मल्टीप्लाई फोर इक्वल टू फोर्टी एट ठीक या यहाँ पे ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव इक्वल टू सिक्स ट्वेंटी फाइव ठीक ये ये इसे एक ही लाइन में करना होता है रो जैसे यहाँ पे हमने लिखा टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फाइव इक्वल टू तो इसको ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई ट्वेंटी ठीक है फिर इसी को आगे वन ट्वेंटी ठीक तो ये कहलाया हमारा कौन सा मेथड रो मेथड रो मेथड तो आप लोगों को आता हो इसमें कॉलम मेथड रो मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है कि आप लोगों को ना आता हो आगे टॉपिक की बात करता हूँ वेरी मोस्ट वे वे तो इंपॉर्टेंट जो मेथड है हमारे पास उसे बोलते हैं आप लोगों को देखा भी होगा एक बॉक्स बना आप लोगों ने देखा भी होगा एक बॉक्स में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं उसे हम मेथड उस मेथड का नाम देते हैं स्क्वायर स्क्वायर मेथड ठीक स्क्वायर मेथड कैसे होता है स्क्वायर का मतलब जैसे स्क्वायर कह रहा है यानी कि जैसे हमने लिखा यहाँ पे टू फोर थ्री सिक्स ये तो यानी कि दो डिजिट ऊपर दो डिजिट नीचे ठीक है तो इसको ऐसे नहीं करना है ये तो कॉलम मेथड हो जाएगा स्क्वायर का मतलब होता है हमारे पास हमने एक स्क्वायर से बनाया ये स्क्वायर बना लिया ना स्क्वायर बनाने के बाद इसके कितने पार्ट करने हैं दो दो ही संख्या में स्क्वायर होता है ये कर लिया ना कोई दिक्कत है अब ये स्क्वायर हो गया अब इसको यहाँ पे क्या करते हैं सबसे पहले कॉर्नर से मिलाना स्टार्ट करेंगे इधर से बन, मिला लिया तो राइट से कॉर्नर कॉर्नर स्टार्ट करेंगे मैचिंग यहाँ पे जैसे ये ठीक मैच कर दिया इधर फिर आइए ये मैच हुआ इसको यहाँ से ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं ना फिर आगे ये कॉर्नर इसको ये मैच कर दिया ठीक तो ये आपके पास एक फिगर तैयार हुआ ठीक तो यहाँ पे नंबर लिखते हैं ऊपर कितना लिखा हमने टू फोर नीचे यहाँ पे फिर थ्री सिक्स मल्टीप्लीकेशन देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत इजी मेथड है ये करने के लिए ठीक तो यहाँ पे क्या करते हैं जिस नंबर जिस बॉक्स में हमें मल्टीप्लीकेशन करना है जिस बॉक्स में मल्टीप्लीकेशन करना है उस बॉक्स की बात करते हैं जैसे हमें यहाँ पे करना है इस वाले बॉक्स में ठीक तो मैं इस वाले बॉक्स में करता हूँ मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या होगा इस वाले बॉक्स में करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर आएगा और ये नंबर ठीक तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी आएगा ना ठीक ट्वेंटी फोर आएगा फिर हमने वहाँ पे छोड़ के इस नंबर में करेंगे तो इस नंबर के यहाँ पे करनी है इस वाले खाने में दिख रहा ना इसमें करनी है तो इसके ऊपर नंबर कौन सा है टू है तो टू और सिक्स की करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व ऐसे लिखेंगे ना ठीक है ट्वेल्व लिख दिया अब हमें क्या करना है इस वाले बॉक्स में करनी है तो इसके सामने कितना है थ्री यहाँ पर ऊपर कितना है ट्वेल्व तो ये हुआ ट्वेल्व ठीक इस वाले में केवल सिक्स है तो सिक्स जीरो ऐसे नहीं लिखेंगे ये गलत हो जाएगा ठीक है ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे जीरो ये सिक्स आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन ठीक दिख रहा है ना अब इसको एडिशन करने का तरीका देखें ये एक लाइन है यहाँ पे है ना तो इसके नीचे वाला नंबर कितना आया फोर ठीक अब सेकेंड रो में ये नंबर हो गया इसके बाद इसमें आइए यहाँ पे टू 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 तो टू टू यानी कि सिक्स ठीक है समझ में आ रही बात फिर आगे चलिए सिक्स यहाँ पे कितना है वन सेवन एट तो ये एट ये इसका आंसर हो गया समझ में ये बात नहीं है सेकेंड में बताता हूँ क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए नंबर डी चेंज करता हूँ हमने लिखा यहाँ पे थ्री फोर टू ज़ीरो मल्टीप्लीकेशन ठीक तो यही पार्क करेंगे क्या करेंगे हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया बॉक्स बना दिया ठीक है रेक्टेंगल बॉक्स बनाया ठीक यहाँ पे इसके टू पार्ट कर दिए कर दिया ना अब हमने क्या कहा उसके बाद कॉर्नर को मिलाना है नीचे से इधर से कॉर्नर नहीं ये इस कॉर्नर को ये मैच कर दिया ठीक है अब उसके बाद ये कॉर्नर मैच होगा फिर ये कॉर्नर मैच हो जाएगा ठीक समझ में आ रही बात अब यहाँ पे नंबर लिखेंगे नंबर कौन सा लिखना है देखिए यहाँ पे ऊपर वाले नंबर ऊपर नीचे कोई भी लिख सकते हो आप थ्री फोर टू ज़ीरो ठीक है उल्टा नंबर नहीं लिखिएगा सबसे पहले टेंस प्लेस फिर वंस फिर टेंस फिर वंस ठीक है अब यहाँ पे क्या करना हमें इस मल्टीप्लाई करिए हमने यहाँ पे जैसे लेके आ गए इस वाले में मल्टीप्लाई करना है तो इस वाले में यहाँ पे क्या है देखिए ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करनी है ठीक तो यहाँ पे कितना है टू यहाँ पे एट तो जीरो एट आएगा ठीक समझ वाली बात अब इस वाले में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो इसके ऊपर कितना है थ्री यहाँ पे ज़ीरो तो इसमें ज़ीरो ज़ीरो ठीक है अच्छा इसमें इस वाले में ज़ीरो ज़ीरो ऊपर एट फोर है नीचे जीरो इस वाले में जीरो सिक्स ठीक है तो इसका मल्टीप्लीसन कितना आया नीचे वाले को यहाँ पे जीरो ठीक है इस वाले नंबर्स को हम प्लस करते हैं ये वाला ठीक ये नीचे कितना है जीरो ठीक फिर उसके बाद ये रो ये रो तो पूरा बचा हमारे पास ये तो इसमें कहा एट जीरो जीरो थ्री एट हो गया उसके बाद ज़ीरो जीरो जीरो सिक्स ये सिक्स हो गया ये आंसर हो गया इसका ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा है तो पूछिएगा मैं आगे बताता हूं आगला. अगला अगला आता हमारे पास अगला न्यू मेथड रेक्टेंगल ठीक रेक्टेंगल्स की क्या बात करते हैं नहीं आया तो पूछिएगा ठीक में... में 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 है रेक्टेंगल मेथड रेक्टेंगल मेथड में हम लोग क्या करते हैं रेक्टेंगल्स में ऊपर की बड़ी डिजिट टू थ्री फोर नीचे वन टू ठीक है थ्री भी हो सकती है यहाँ पे तो इसको हम क्या बनाएंगे रेक्टेंगल्स मेथड में मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आगे तो चलते हैं हम लोग हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल्स मेथड के आगे नंबर लिख दिया मल्टीप्लाई करते हैं रेक्टेंगल्स का डायग्राम बना लेते हैं ठीक है ये डायग्राम बना लिया रेक्टेंगल्स का ठीक तो इसमें टू नंबर्स तो वन लाइन डिवाइड कर दिया ये दो रेक्टेंगल्स हो गए ठीक है दो रेक्टेंगल्स के बाद हमने ऊपर नंबर कितने हैं थ्री तो यहाँ पे टू कट मार लिया लगा लिया ठीक टू कट्स हो गए ठीक अब इनको कार्नर्स को मैच कर देना इस कार्नर को इसके साथ ठीक ये कार्नर ठीक फिर देन कार्नर फिर ये कार्नर ठीक अब क्या करना हमें ऊपर नंबर लिख देना है थ्री टू फाइव यहाँ पे वन टू ठीक है अब कोई भी नंबर मैच करके आपको एक अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक जैसे यहाँ पे हमने क्या किया इस नंबर किसके साथ तो यहाँ पे वन जीरो फिर इसके साथ ज़ीरो फोर फिर इसके साथ ज़ीरो सिक्स ठीक है फिर यहाँ पे देखिए इस नंबर किसके साथ तो ज़ीरो टू इसके साथ ज़ीरो थ्री इसके साथ ज़ीरो फाइव समझ में आ रहा है ना अब यहाँ पे क्या करेंगे जो नंबर्स है ये ज़ीरो फिर प्लस करिए जीरो हुआ ना टेन तो टेन यहाँ पे कैरी इधर चला जाएगा ना तो यहाँ पे कितना हो गया नाइन ठीक इसमें थ्री आंसर ठीक है आई होप समझ में आ रहा होगा एक और क्वेश्चन बताते हैं फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन आता है जैसे हमने लिखा थ्री वन टू थ्री फोर टू ठीक ये स्क्वायर नहीं है ये स्क्वायर नहीं है स्क्वायर क्यों नहीं है देखे अब यहाँ पे हमने ये बनाया ठीक वन टू ठीक तो थ्री इधर थ्री इधर ठीक लेकिन दो इधर है ना वन टू वन टू इधर है ना डिजिट तो टू है थ्री में नहीं है टू टू में नहीं है जैसे हमने एक स्क्वायर के बताया टू फाइव टू फाइव तो वन टू इधर वन टू इधर तो ये स्क्वायर हुआ ना ये नहीं हुआ ठीक इसलिए इसलिए इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं करें रेक्टेंगल्स के मल्टीप्लिकेशन करें रेक्टेंगल्स का कर, ठीक तो यहाँ पे हमने क्या किया नंबर लिखेंगे पहले क्या करेंगे पहले हम उसको कॉर्नर्स को मैचिंग करेंगे कॉर्नर्स को मिलाएंगे ठीक ये कॉर्नर मिला दिया गया इस कॉर्नर को इसके साथ और ये कॉर्नर इसके साथ ठीक ये कॉर्नर इसके साथ ये कॉर्नर इसके साथ ठीक आई होप आप फोन में आ रहा होगा अब यहाँ पे क्या करेंगे नंबर नंबर लिख देंगे यहाँ पे लिखा थ्री वन टू थ्री फोर टू मल्टीप्लाई करिए कहीं भी किसी भी नंबर को निकालना मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे निकाला ठीक यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो फोर अब इसको यहाँ पे जीरो एट अरे इस लाइन की आइए उसके ऊपर ऐसे देखिए यहाँ पे जैसे निकालना है तो यहाँ पे क्या है टू यहाँ पे टू तो ये हुआ फोर ठीक अब ऐसे यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे कितना है थ्री यहाँ पे वन तो ये थ्री से ठीक अब यहाँ पे वैसे निकालना है तो इसके ऊपर नंबर्स कितना है ये थ्री है ना इसके इधर टू तो जीरो सिक्स हुआ इसमें जीरो टू इधर वाले ट्वेल्व इसमें जीरो नाइन यहाँ पे ज़ीरो सिक्स ठीक फिलअप हो गया अब बस एडिशन कर दीजिएगा इसमें हमें जैसे मल्टीप्लाई में ये दिया है तो इसका सैकड़ा थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर निकालना होता है तो हम ऐसे टेबल बना लेते हैं ठीक है तो बाकी ये नंबर नहीं लिखते बीच वाला नंबर लिख देते हैं उसी से हम डिजिट फाइंड कर लेते हैं बाकी मल्टीप्लिकेशन में करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती है इसलिए मल्टीप्लिकेशन बताई जा रही है ठीक तो यहाँ पर क्या किया है? हमने ये वो फोर ठीक है ये नंबर्स को प्लस किया एट का ज़ीरो एट टू टेन जीरो ठीक है यहाँ पर छ छः बारह और चार सोलह और एक सत्रह का साथ कैरी ऊपर गया यहाँ पे ठीक तो ये हुआ टू थ्री और एक फोर यहाँ पे टू थ्री फाइव और एक सिक्स सिक्स ठीक यहाँ पे टेन ये हो गया ठीक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ठीक आगे चलते हैं एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं लाइन लाइन मेथड लाइन मेथड में ये भी क्वेश्चन से लाइन मेथड का करने का तरीका जो आसान लगे जैसे हमने लिखा ट्वेल्व मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर ठीक तो यहां पे सबसे पहले ट्वेल्व लिखा तो हमने एक लाइन ये खींच दी फिर लिखा है टू तो टू लाइन नीचे खींच दिया ठीक समझ में आ रहा यहाँ पे टू लिखा तो टू लाइन ये खींचा फिर यहां पे कितना लिखा फोर तो फोर लाइन कहां पे खींचना है ये वन टू थ्री फोर ठीक है तो ये मल्टीप्लिकेशन का तरी एक मेथड है करने का ठीक है अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इधर से तो यहाँ पे कितने कट पॉइंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पे एट ठीक उसके बाद इन दोनों को यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये सेकेंड सेकेंड नंबर के लिए ठीक तो ये हुआ एट ये फर्स्ट नंबर का ठीक उसके बाद यहाँ पे वन टू ये ये थर्ड तो यहाँ पे हुआ वन टू टू ये मल्टीप्लिकेशन हो गई ठीक इसके आई होप आप लोगों को जो मेथड समझ में आए जो अच्छा लगे कमेंट में लिखिए पूछिए कौन सा मेथड